everyone. So, how are you all? Yes, I'm so happy to see you all again. Yes, class. हमारा ये जो सेशन है, दिस इज द पार्ट टू। जो भी बच्चे आज नए आ रहे हैं, जो न्यू यू नो स्टूडेंट्स हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज ये मेरा सेकंड सेशन है। आप सेशन वन से देखो, राइट? पूरा बेसिक थिंग से हम करते हुए आए हैं। क्या मैटर इन सराउंडिंग है, क्या मैटर होता है, एवरीथिंग हमने पहले सेशन में डिस्कस करा है। सो अगेन हेलो एवरीवन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट अ क्लास। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम रश्मि यादव फ्रॉम अन अकेडमी। आई विल बी टीचिंग यू साइंस। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज फ्रॉम वुमेन, दैट इज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड करंटली आई एम अ टीजीटी टीचर। And I'm also a K-12 educator at an academy. And class, आपके जैसे बच्चों को मैंने बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। बहुत प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और अब मैं आई हूँ आपको पढ़ाने सब पूरा साइंस का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल यू नो, अब आप यू नो ऐसे सोचते थे 8th क्लास में कि मैम साइंस हमारा एक सब्जेक्ट है, बट अब आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं साइंस के अंदर। साइंस एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर थ्री सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको इसी से इसी क्लास में, यहाँ पर जो भी लाइव क्लासेस एंड यू नो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, प्लीज एवरीवन यू यू नीड टू बी रेगुलर, राइट? हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, केमिस्ट्री आपको आएगी तभी समझ जब आप आओगे रोज और आप सुनोगे। यस क्लास, ओके। सो यस, एंड एज वी ऑल नो, अन एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है ना क्लास, यू नो यू शुड टेक सब्सक्रिप्शन। व्हाई? पता है मैं आपको रिकमेंड क्यों बोल रही हूँ सब्सक्रिप्शन लो? बिकॉज आज के टाइम में ना सी, सब घर पे बैठे हुए, एवरीबॉडी इज स्टडिंग, राइट? सब यूट्यूब पे तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अनअकैडमी में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपके पास एक अपर हैंड होगा उनसे, उनसे ऊपर आने का आपके पास ज्यादा चांस होगा। क्यों? वहां पर एक डेली स्केड्यूल लिस्ट होती है, जहां पर जिसी वहां पर आपको पूरे ये सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको लाइव यू नो लर्नर्स लाइव सेशंस होंगे एट योर कंफर्ट एरिया। आप घर पे बैठे हो, आप क्लासेस लगाओगे ऑनलाइन, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द कोर्सेस, एनी कोर्सेज यू वांट टू टेक यू विल बी टेकिंग इन दैट। आपको बस एक बार सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है, दैट्स इट, ठीक है? एंड टॉप एजुकेटर्स अन अकेडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, वो सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम देम रेगुलर डाउट क्लियरिंग डाउट। यू नो आप अभी कहीं यूट्यूब पे देख लो, आपके डाउट्स रह जाते हैं एंड राइट, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके रेगुलर डाउट सेशंस होंगे एंड एग्जॉस्टिंग कवरेज। ओके ओके, आपकी जो सिलेबस है दैट कवरेज ऐसा नहीं है जस्ट ऊपर ऊपर से आपका पूरा करा दिया जाएगा। नो, बहुत डीपली कराएंगे कि आपके बोर्ड्स में या फिर आपके मेन पेपर्स में जो भी मार्क्स आए, जाना जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आप ऐसे कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चंस, राइट? ओके, आप यू नो स्टडी मटेरियल यू विल बी गेटिंग गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, दे आर प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज। माय गॉड, ये तो सी सब्सक्रिप्शन लोगे तो लाइव टेस्ट सीरीज यू विल बी गेट दैट। बैच कोर्स इज देयर, सो यू विल बी लर्निंग डेली, राइट? यूट्यूब पे क्या है, आप आज आए हो कल नहीं आए, पूरी जनता यहाँ से पढ़ रही है। आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लो, आपका वो स्टेप ऊपर आपने आ गए हो, बस बाकी आपको हम पे छोड़ देना है एंड देखो आपकी प्रोग्रेस यहाँ से यहाँ कैसे आते हो, राइट? ओके क्लास, नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, दिस इज अ सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो मैं बात कर रही थी अभी, कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 9, 10, 11, 12 की सब्सक्रिप्शन लिस्ट है। तो यू नो पूरे मंथ वाइज कैन यू सी ओवर हियर, इफ यू टॉक अबाउट 3 मंथ, इट विल बी कॉस्टिंग यू अराउंड 2,500 पर मंथ, एंड यू नो फॉर द 6 मंथ देयर इज 33% ऑफ, एंड द टोटल विल बी 10,000 फॉर ओनली 6 मंथ। सो विद यू नो आप ऐसे इंक्रीज करते जाओ मंथ, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग फॉर फुल 1 ईयर, 12 मंथ का आप ले रहे हो, तो 50% आपका ऑफ है, एंड 50% ऑफ के साथ साथ
आप देखो, आपको पूरे मंथ में सिर्फ 1,250 पे करना है, ठीक है क्लास। आई पर्सनली रिकमेंड यू टू टेक 48 मंथ। देखो वाई, पता है क्यों? 833 आपने सिर्फ इतना पे करना है पर मंथ। यहाँ आप देखो कितना ज्यादा पे कर रहे हो हर एक में, यहाँ सिर्फ आप 833 पे कर रहे हो, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि ये भी बहुत ज्यादा है, आई हैव दैट सोल्यूशन ऑल्सो। जस्ट यूज माई कोड Ray10। Ray10 आप कोड लिखो जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, यूज दिस कोड, राइट। आप जैसे ही ये कोड यूज करोगे, आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन है, सी 48 मंथ का भी आप लेते हो, सो यू इट विल बी कॉस्टिंग यू नॉट 40,000। वहां आपको 40,000 कॉस्ट कर रहा था, यहाँ देखो यहाँ पर आपको ओनली 36,000 पे, कितना कम हो गया है, राइट। जस्ट 750 पर मंथ यू हैव टू पे। एंड ये मनी आपको बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कितना पे कर रहे हो, क्योंकि जो नॉलेज गेन करोगे ना क्लास, इसके बाद सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, वो ऑन अ वेरी नेक्स्ट लेवल है, वो मनी से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। सो 48 मंथ, आई रिकमेंड यू टू टेक 48 मंथ रेस्ट। सी कितना बड़ा चेंज है अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, सो सब्सक्रिप्शन में ही कितना बड़ा मनी में चेंज है। सो यूज माई कोड, डाउनलोड दी ऐप अन अकेडमी लर्नर्स ऐप, एंड देन यूज दिस कोड Ray10, एंड यू विल बी गेटिंग फुल सब्सक्रिप्शन लिस्ट। चूज अकॉर्डिंगली वट एवर यू नो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू टेक 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, 24, 36, 48, राइट, टेक सब्सक्रिप्शन। एंड देन आपके वहां यू नो सब्सक्रिप्शन आप जब ले लोगे, वहां मेरे फ्री लाइव सेशंस हैं, फ्री आपके स्पेशल जो क्लासेस हैं वो भी तो फ्री है, तो क्यों नहीं लेना, राइट। यहाँ पर आप यूट्यूब में फ्री ले रहे हो, वहां पर भी यू आर कमिंग और आपको वहां पर फ्री आपको सेशंस मिल रहे हैं, स्पेशल क्लासेस मिल रही हैं, पूरा स्केड्यूल आपको दिया जाएगा, हम ही आपका स्केड्यूल बना के देंगे, कब कौन सा चैप्टर खत्म करेंगे, कब क्या पेपर होंगे, कब आपके डाउट्स डाउट्स आपके रोज लिए जाएंगे, ओके क्लास। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज ही जाना, ऐप डाउनलोड करो और सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है, ओके क्लास। नाउ कमिंग ऑन टू आर चैप्टर, मैटर इन आर सराउंडिंग। मैटर इन आर सराउंडिंग क्लास, हमने इसके बारे में कल बहुत बात करी, कल हमने बहुत डिटेल में बात करी। मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ आपको, कि आपको याद आ जाए कि हमने क्या 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 करा, उसके आगे हम धीरे धीरे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। कल हमने इतने एक्सपेरिमेंट्स करे क्लास, हम ऐसे ही करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट से ही है, राइट। नॉट ओनली केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गई, बायो हो गई, तभी मैं बोलती हूँ साइंस जो सब्जेक्ट है ना क्लास, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, रट्टा मारने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो बहुत पहले कभी जमाना होता था जब रट्टा लगा के पास हो जाते थे, अब सब समझने की बात है, राइट। जो समझ गया वो खेल गया, राइट। चलो अब तो देखो पोएट्री भी चल रही है, ओके। मैटर इन आर सराउंडिंग्स, तो क्लास हमने जो कल स्टार्ट किया था, दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने कल पढ़ा था, हमने फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे और हमने स्टेट्स ऑफ मैटर वी स्टडीड दीज थ्री थिंग्स, राइट। फिजिकल स्टेट के हमने पहले तो ये देखा था मैटर का ओरिजिन क्या है, मैटर आया कहाँ से, मैटर होता क्या है, हमने एक पिक्चर को भी मैटर का नाम दे दिया था, राइट, मैटर होता क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। अंडर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हमने ये देखा, जो मैटर्स है, मैटर है ना, उस वो पार्टिकल से बने, आपको याद आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ही ऑब्जेक्ट आपको शो करा था, इसकी ये जो है ये पार्टिकल्स का बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल है, छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, तो ये पार्टिकल का बना है। यही नहीं, ये तो सॉलिड हो गया है ना, आप कोई भी मैटर ले लो, एनी मैटर, मैं अपने आप को भी ले लूं, मैं भी एक मैटर हूँ, तो मैं भी एक बोझ अपने आप को भी, आप भी मैटर हो, राइट। छोटे 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 पार्टिकल्स को मिलाकर आप बने हो, एंड ये जो पार्टिकल्स है ये दीज आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे पार्टिकल्स है। हमने कल इस पे एक्सपेरिमेंट भी करा था, कितने टाइनी पार्टिकल्स है हमने करा था, राइट।
हमने पानी लिया था, इंक डाली थी, हमने ये बोला था कि ये जो ये जो मैटर है ये देखो कैसे इतने टाइनी है, दे आर मिक्सिंग इट अप, आपको दिखेंगे भी नहीं, बहुत माइक्रोस्कोप से आपको लगा के देखना पड़ेगा, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो कभी भी, आप कभी ऐसे नहीं देख सकते हो, ओके वो जा रहा है मेरा पार्टिकल, नहीं देख सकते हो बिल्कुल भी, राइट। अब आप बोलोगे मैम मम्मी तो कभी कभी पार्टिकल्स दिख जाते हैं, कभी धूप में खड़े होते हैं तो ऐसे ना छोटे छोटे थ्रेड से कुछ दिखते हैं, वो पार्टिकल्स नहीं होते, वो डस्ट है, राइट, वो डस्ट है दैट आर इन एनवायरमेंट, पार्टिकल्स भी एनवायरमेंट में, बट वो बहुत छोटे होते हैं, वो आपकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, कभी इमेजिन नहीं कर सकते वो इतना छोटा है, राइट। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पढ़ा कि पार्टिकल्स में क्या होते हैं, स्पेस, पार्टिकल्स में होते हैं हमारे स्पेस, हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने एक बीकर लिया था, उसमें हमने क्या किया था, हमने पानी मिलाया, उस पानी में हमने डाला सॉल्ट, और हमने ये बोला कि इसकी ना लेंथ नहीं बढ़ेगी, हम अगर सॉल्ट ऐड भी कर दें लेकिन इसकी हाइट जो है पानी का वो उतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इस पानी के अंदर पार्टिकल्स जो है उसमें स्पेस है, हमारे पानी के जो पार्टिकल्स हैं, मैं इसको और जूम करके दिखाती हूँ आपको, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, या तो फॉर एग्जाम्पल, या सो ओवर हियर ये मेरे पास पूरा बीकर है, एंड इस बीकर में एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, स्पेस देख रहे हो, हमारे पानी के पार्टिकल्स इतने ही दूर होते हैं, हमने कल पढ़ा था, हमारे ये, अब हमने जब सोल्ट डाला, मैं सोल्ट ऐसे बना रही हूँ ठीक है, हमने सोल्ट डाला ऐड करा, अब जब हमने सोल्ट ऐड करा तो ये जितनी भी स्पेस है यहाँ पर आपका सोल्ट ऐड हो जाएगा, स्पेस कवर कर लेगा, सो दिस सेज एंड डिपेंड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, मूव कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इंस्टेंट स्टिक्स का हमने एक्सपेरिमेंट किया था, आप अगरबत्ती जलाओ यहाँ रखो एक कमरे में, आपको दूसरे कमरे में आपको खुशबू आ जाएगी, क्यों, क्योंकि आपके इंस्टेंट दैट अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं, इंस्टेंट स्टिक्स के पार्टिकल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, वो एयर मॉलिक्यूल्स में मिल गए और वो मूव कर रहे हैं। मैंने परफ्यूम भी स्प्रे करी थी, जब परफ्यूम स्प्रे करी थी तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशबू आने लगी, क्यों, पार्टिकल जैसे ही वो पूरे परफ्यूम से बाहर निकले तो वो पूरे रूम में फैल गए, राइट, पूरे स्प्रेड हो गए, ओके नाउ स्टेट्स, ओके नाउ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, अट्रैक्ट ईच अदर, मैंने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था जिससे आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोंगे, दैट इज आप हाथ आप ऐसे लॉक करके अपने दोस्त के साथ बैठे हो, वो गया सॉलिड में पार्टिकल्स इतने अट्रैक्ट होते हैं इतने टाइट, आप पानी वाले लोग जो हैं, जो पानी लिक्विड स्टेट, वो हैंड शेक करके बैठे हुए, तो आपको हल्का सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ठीक है, लेकिन सॉलिड से कम टूट जाएगा, और गैस में लोग ऐसे बैठे हुए हैं आपको बहुत ही कम लगाओगे और ये अट्रैक्शन टूट जाएगा, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था अट्रैक्ट ईच अदर में, ओके। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं, स्टेट्स ऑफ मैटर हमने एक पढ़ा था सॉलिड, एक पढ़ा था लिक्विड, एक पढ़ा था गैस, और हमने बहुत एग्जाम्पल देखे थे, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, सॉलिड कभी अपना शेप नहीं बदलता, राइट, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड जो है उसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है लेकिन इनडेफिनेट शेप होती है, आप किसी में भी डाल दो आपका लिक्विड उसी ही शेप का ले लेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अभी बॉटल दिखाऊं, ये जो बॉटल है मैंने बॉटल में डाला, पानी ने बॉटल का शेप ले लिया, मैंने कल ग्लास दिखाया था, पानी ने उस ग्लास का शेप ले लिया था, राइट, एंड जो गैस है, गैस को आप कहीं मर्जी डाल दो तो आप वो क्या होगा, वो जो गैस है जैसे कि इसके अंदर ये आधा जो है पानी से भरा हुआ है, आधा जो है गैस से है ना, तो ये गैस ने पानी की बॉटल भर, ऐसा तो है नहीं खाली है ना, इसमें गैस है ना, कुछ तो है ना इसके अंदर, गैस जो है उसने बॉटल का शेप ले लिया है, तो गैस के पास ना ही डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है, तो इनडेफिनेट की बात करी थी, इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, ये तो हमने करा था कल, एंड क्लास अगर यही एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसी एग्जांपल के अंदर ये रही सॉलिड, दिस बॉटल इज सॉलिड, देखो अगर मैं इसका शेप बनाती हूँ
ये सॉलिड है, ओके। इसके अंदर ये जो मूव कर रहा है ये क्या है, पानी है ना, लिक्विड। एंड ओवर हियर ये जो है ये है गैस। इस ऑब्जेक्ट के अंदर सब प्रेजेंट है, सॉलिड लिक्विड गैस। आई होप इतना सबको क्लियर है कि हमने कल क्या किया था। नाउ अब हम आगे चलेंगे। मैं कभी भी न्यू टॉपिक ऐसे स्टार्ट नहीं करती हूँ विदाउट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। हम रिकॉल करेंगे कि हमने क्या करा था, एंड हम किसी को कि आई डोंट वांट कि कोई भी बच्चा मेरे क्लास में कुछ भी मिस करे, ठीक है। सबको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, टू दे टिप्स होना चाहिए, और अगर आप सुनोगे तो आपको बिल्कुल टू दे टिप्स हो जाएंगे, ऐसे आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। ओके नाउ आज अब हम पढ़ते हैं क्लास, यहां देखो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस का नाम है एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट क्लास, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप क्या होता है डिफ्यूजन, मैंने एक एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल अगेन मैंने अभी अभी दिया है कि मेरे पास एक बीकर है, राइट। मैंने इसमें डाला पानी, मेरे पास पानी है, और मैंने क्या किया इसमें ऐड कर दिया, चलो लास्ट टाइम शुगर ऐड करी थी, इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, ठीक है। नहीं, लास्ट टाइम हमने सॉल्ट ऐड करी थी, इस टाइम डाल देते हैं हम शुगर। हमने ऐड कर दी शुगर, तो हमने जब ऐड करी शुगर क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा है ना, पानी और शुगर पूरा डिजोल्व हो जाएगा, राइट। तो क्या हुआ है, आपको अगर मैं बोलूं शुगर को अलग कर दो और पानी को अलग कर दो, सिर्फ कोई कोई प्रोसेस नहीं करना है केमिकली, आपको कुछ केमिकल्स ऐड नहीं करने, कहीं हीट नहीं करना है, सिर्फ इसको अलग करना है, कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो गया है, आपके जो पार्टिकल्स हैं इंटरमिक्स हो गए हैं, राइट। आपके मान लो ये वाटर पार्टिकल्स हैं और ये जो है आपके कौन से पार्टिकल है, शुगर के पार्टिकल्स हैं, ये क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। इसमें जो स्पेस थी, मान लो ये पार्टिकल्स हैं वाटर के, ये स्पेस है कुछ प्रेजेंट वाटर में, और ये हमारे जो शुगर है वो आके इन स्पेस में मिक्स हो गई है। तो अब यू कांट यू नो सेपरेट दीज, की शुगर ये रही आफ्टर डिजोल्विंग, ये रही शुगर, ये रहा लिक्विड, नो। सेम ओवर हियर देखो, ये पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है पानी के अंदर, ये देखो पार्टिकल्स कितने सारे हैं, अभी इसी के अंदर मान लो ये सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, दीज आर वाटर पार्टिकल्स, अगर मैं इसी में ही शुगर ऐड कर दूं, सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएंगे जहां स्पेस बची हुई है, राइट। ओके तो जो भी स्पेस है वहां पर जैसी शुगर आएगी तो दे आर मिक्सड अप, मिक्स हो गई है। ओके अनदर एग्जांपल हमने कल ये करा था, इंस्टेंट स्टिक्स, आपने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं एयर में मिक्स हो रहे हैं, राइट। क्लास मैंने अब एक एग्जांपल, अभी दोनों जो एग्जांपल मैंने लिए हैं दोनों में एक चीज मैंने कॉमन बोली है, क्या, मिक्स मिक्स, राइट। मैंने यही बोला है इंटरमिक्स हो रहे हैं, दैट इज डिफ्यूजन, बस यही डिफ्यूजन है, राइट। डिफ्यूजन का वर्ड से डरो मत कि डिफ्यूजन क्या आ गया, यही डिफ्यूजन है क्लास, हम जो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, पानी का पार्टिकल, शुगर का पार्टिकल, दोनों पार्टिकल अलग अलग है, उनका क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग, खुद मिक्स हुए हैं, राइट, ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। बिफोर डिफ्यूजन देख लो, आपके पार्टिकल्स, आप ये जब माइक्रोस्कोप से देखोगे, ये एक छोटा सा है, आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कैन यू सी ओवर हियर, दीज आर पार्टिकल, दिस इज बिफोर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से पहले ये ऐसे हैं। अब डिफ्यूजन होगा, क्या होगा, डिफ्यूजन का मतलब मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे पानी में, जहां पर भी स्पेस गिवन थी, जैसे ये स्पेस गिवन है वो यहाँ पर जाके फिक्स हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, राइट। ओके सो दिस इज डिफ्यूजन, कभी भी एग्जाम में आए लिख दो, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, कोई आपका गलत नहीं कर सकता ये आंसर, ठीक है। ओके नाउ क्लास अब हम एक चीज पढ़ते हैं, आप यहां देखिए,
ये बीकर दिख रहा है आपको, इस बीकर में है पानी, क्या इस बीकर के अंदर वाटर, वाटर को हम लिखते हैं H2O, ठीक है। इस बीकर को हम केमिकली लिखते हैं H2O। हमने क्या किया, इसको दे दिया हमने, चलो लगा दो इस पे हीट, हमने इसको कर दिया, हमने हीट ऐड करी है, राइट। क्या होगा, कभी आपने अपने घर में किचन में जाके देखा होगा, पानी तो सबने गर्म किया होगा, राइट। तो पानी जब आप गर्म करते हो, आप कोई भी यूटेंसिल आप अपने उस पे फायर पे गैस पे रखते हो, क्या होता है, आपका पानी जो है यूटेंसिल के अंदर बॉयल आने लगता है, गर्म हो रहा है, एंड ये आपको ऐसे दिखने भी लगते हैं, ये देखो बबल्स आ रहे हैं। सो क्लास कैन यू सी, इसके जो पार्टिकल्स हैं इतने तेज मूव कर रहे हैं, पानी भी हिलने लग गया है। जस्ट इमेजिन कितने तेज इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, जस्ट बिकॉज हमने हीट ऐड कर दी है, हमने हीट ऐड करी है, बस उसके वजह से पानी बुरी तरीके से मूव कर रहा है, बहुत मूव कर रहा है। आप ऑन रखो गैस को, बॉइल हो रहा है, यू नो ऐसे बबल्स आते हैं, है ना, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स बहुत तेज मूव कर रहे हैं, इतनी तेज मूव कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। ये अब रिलेशन समझ आया क्लास, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस एनर्जी से पार्टिकल्स, किसी भी मेटल के पार्टिकल्स मूव करें, उन्हें काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, पार्टिकल्स एनर्जी। ओके लेट मी राइट, एनर्जी एनर्जी टेकन बाय पार्टिकल्स, ठीक है, एनर्जी टेकन बाय द पार्टिकल्स। क्या बात हुई कि एनर्जी, जितनी भी एनर्जी लेंगे पार्टिकल्स, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल्स भी मूव बहुत ज्यादा करेंगे। एनर्जी इन द सेंस कैसे आई, हमने हीट दे दिए बहुत ज्यादा, ठीक है क्लास। एक बार हम, मैं आपको वापस समझा देती हूँ, अगर आपको डाउट है लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे से। ओके लेट मी जस्ट राइट, ओके ये पानी था, हमने लगा दी आग इसके नीचे, हो गया पानी गर्म, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, पानी देखो कितनी तेज मूव कर रहा है ऊपर, राइट, इतनी तेज मूव कर रहा है कि इसके पार्टिकल यहाँ 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 ऐसे भाग रहे हैं, बुरी तरीके से भाग रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, पार्टिकल इतनी तेज मूव कर रहे हैं। तो जिस एनर्जी से पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, राइट। रिलेशन समझ आया इसका, रिलेशन सबको कि क्या है। ओके अदर देन दिस, आपने कभी देखा है, अगर मैं आपको बोलूं चीनी मिलाओ, तो आप एक गर्म पानी लो एक ठंडा पानी लो, किसमें चीनी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, किसमें होगी, ऑफ कोर्स मैम गर्म पानी में होगी। आप रीजन समझ कि गर्म पानी में आपकी चीनी इधर यू नो एनी सॉल्ट अगर आप डाल रहे हो, क्यों उसमें जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर वो इतनी तेज मूव कर रहे हैं कि यू डिसॉल्व हो जाएगा, यू बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है। ओके तो हम ये बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर इंक्रीज है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, हम ये बोल सकते हैं। ओके हम ये बोल सकते हैं हमारी जो पार्टिकल्स हैं, हमने ये पढ़ा था लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा गैप होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स में, राइट। सॉलिड के पार्टिकल्स में तो चलो ऐसे बिल्कुल ही पास 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 होते हैं, बिल्कुल ही पास, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है, ऐसे थोड़े से गैप में होते हैं। सो आपके इसमें इतनी तेज मूव कर रहे हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है काम, तो क्या हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कल ही पढ़ा था हमने, लिक्विड में वैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होती है, कम हो जाएगी जब हम हीट दे देंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा, पार्टिकल भाग रहे हैं यहाँ वहां भागे जा रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
डिक्रीज हो जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। आपका बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं बचेगा, यहां से वहां पार्टिकल्स भाग रहे होंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिसॉल्व यू हो जाएगा जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, क्योंकि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि मूव करने की एनर्जी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आया समझ क्लास? तो यही बात है, हमने ये डिफ्यूजन पढ़ा था, डिफ्यूजन तो चलो हो गया मिक्स, अगर हम गर्म कर दें डिफ्यूजन तो बहुत तेज हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, अगर हम कर दें गर्म तो डिफ्यूजन क्या होगा आपका, अलग ही लेवल की तेज, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का इंटरमिक्स हो जाएगा, तभी हम कह रहे हैं कि हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट? आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है क्लास? ओके हाँ यस, हमने कल तीन के बारे में पढ़ा था, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। मैम अब आपने ये क्या दिखा दिया, प्लाज्मा, ये तो अलग स्टेट ऑफ मैटर है। यस क्लास, कल मैंने आपको सिर्फ तीन पढ़ाए थे, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, बट क्लास मेरे बच्चों प्लाज्मा भी होता है एक स्टेट, अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो सॉलिड हमने पढ़ा, लिक्विड पढ़ा, गैस पढ़ा, सॉलिड में क्या आ गया, आइस आ गई, हमने बोल दिया सॉलिड में आ गया आइस, इसमें क्या आ गया वाटर, एंड क्या आ गई गैस, राइट? यही क्या था, इसको हीट कर दो पानी बन जाएगा, इसको हीट कर दो गैस बन जाएगी, इवेपोरेट, देखो कैसे धुएं से ऐसे उड़ रहा है, राइट? गैस बन गया। अब क्या होता है प्लाज्मा, हमने इन तीनों के बारे में तो पढ़ लिया, प्लाज्मा क्या होता है, क्या है ये प्लाज्मा, सोचो, कभी सुना आपने क्या होता है प्लाज्मा? हम बताते हैं भी प्लाज्मा होता है क्या, आपने कभी सोचा है मैम अगर हम गैस को भी और हीट कर दे तो, और हीट कर दो गैस को क्या होगा, कभी सोचा है? गैस को करे जाओ हीट, है ना? देखो हमने गैस को करा बहुत ज्यादा हीट, तो क्लास ये क्या है, ये एटम, आपने फर्स्ट क्लास में देखा होगा मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर हम और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ऐड करते जाएं हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है एटम, ये है हमारा एटम, राइट? ये क्या है हमारा एटम, एटम का अब मैंने दिखा रही हूँ, पहले तो मैंने सिर्फ बताया था कि हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाउ सी आपके ये जो मूव कर रहे हैं ना, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, हर एक ऑर्बिट, ये जो गोल गोल है, दीज आर ऑर्बिट, सर्कल में दिख रहा है चूड़ियों जैसा, ये ऑर्बिट्स हैं, राइट? और ये जो सर्कल में ये जो जा रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दीज आर इलेक्ट्रॉन, राइट? सारे ये जो जा रहे हैं मूव कर रहे हैं, अंदर मूव कर रहे हैं, बाहर मूव कर रहे हैं, तो क्लास ये तो हो गया नॉर्मल स्टेट में हमारा एटम, राइट? हमने सॉलिड लिक्विड गैस में हमारा एटम का कॉन्फ़िगरेशन, एटम हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? लेकिन अभी तो मैंने बोला कि अगर हम क्या करें, बहुत गैस को भी कर दें गर्म, बहुत गर्म कर दो गैस को, और गर्म कर दो, क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, जस्ट रुक जाओ, इसका जो इलेक्ट्रॉन है देखो, ये जो होगा ना, यहां से घूमते घूमते बाहर चला जाएगा, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन बाहर, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लूज होना, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी तक यही समझो कि प्लाज्मा एक वो स्टेट ऑफ मैटर है जो बहुत एनर्जी है इसके अंदर, क्योंकि आपने और हीट कर दिया है, राइट? आपने अभी हमने डिफ्यूजन में पढ़ा, आपने नॉर्मल है, आपने पानी गर्म करा, रूम टेम्परेचर पे पानी है, पानी करा आपने गर्म, पानी हो रहा है बॉयल, हो रहा है बहुत बॉयल होने लग गया है, क्या हो रहा है, पार्टिकल बहुत तेज मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, आपने और कर रहे हो वो जो गैस है उसको भी कर दिया गर्म, क्या होगा आपका जो ये स्टेट में है वो प्लाज्मा होगा, तब ये दी स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, बिल्कुल सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हमारे इस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, राइट? ओके देखो अभी जो मैं आपको दिखा रही थी पिक्चर, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑर्बिट है, ये जो दिख रहा है ब्लैक लाइन में, दीज आर ऑर्बिट्स,
ये पूरा सर्कल में, ओके, एंड इस ऑर्बिट में हमारे रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब हमने इनको क्या किया, इतनी एनर्जी दे दी एटम को, इतनी एनर्जी दे दी कि इलेक्ट्रॉन ने अपना ऑर्बिट, ये जो रिंग है, इसको रिलीज कर दिया और वो बाहर चला गया, रिलीज करके बेंट आउट, देखिए निकल गया वो बाहर। आप सोचो, आप क्या, आप खुद घर पे बैठे हो, आपने कर लिया अपना होमवर्क खत्म, आप में आ गई बहुत ज्यादा एनर्जी कि मेरा तो होगा काम खत्म, बाहर निकल, आप क्या होंगे, कॉपी करी बंद, सीधा बाहर मिलोगे, है ना। वही इस इलेक्ट्रॉन का काम है, इलेक्ट्रॉन का हो गया होमवर्क खत्म, इलेक्ट्रॉन को मिल गई एनर्जी और इलेक्ट्रॉन निकल गया अपने ऑर्बिट, अपने घर से बाहर, ठीक है क्लास। तो एनर्जी चाहिए होती है, ये ऐसे कैसे बाहर निकल गया, क्योंकि एनर्जी चाहिए, जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट से ऐसे था बाहर निकल गया, राइट, मूव कर रहा था, ऑर्बिट से बाहर निकल गया है हमारा इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइज भी कह सकते हैं, इसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। क्या होता है, बेसिकली व्हेन वी आर गिविंग एनर्जी, ठीक है, एंड यू नो व्हेन एवर वी आर गिविंग एनर्जी, एंड इलेक्ट्रॉन जस्ट रिलीज आउट, मूव आउट ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज आयोनाइजेशन। इस स्टेट में ये जो एटम है सुपर एनर्जेटिक होते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं, ये क्लास ये भी प्रेजेंट है। अभी आपका पूरा ऐसे होगा, वो मैम हमने तो सॉलिड लिक्विड गैस ही देखे, ये क्या आ गया, ये क्लास एक ये भी आपका स्टेट ऑफ मैटर है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखो, लास्ट पेज पे येलो बॉक्स में गिवन है प्लाज्मा के बारे में। ओके, अब हम और देख लेते हैं, जस्ट लेट मी रब दिस ऑफ। ओके, हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब एग्जांपल देखो, हमने क्या किया, फ्लोरेसेंट ट्यूब आपने देखी है, अपने ट्यूबलाइट्स देखी है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब, इनमें हमारा ये प्लाज्मा वाला फंक्शन काम करता है। क्या है बेसिकली, आपने ये इतने, ये जो एटम्स जो है इसके अंदर इतने ऑर्बिट जो है और एटम इतने तेज मूव कर रहे कि वो बाहर निकल गए, ये जो है अगर आप इनमें करंट पास कर दो, करंट आप पास कर दो, क्या होती है, आपकी लाइट शो करती है, जो आपका यहाँ पर फ्लोरेसेंट और नियॉन साइन बल्ब डिपेक्ट कर रहा है। बट इसमें मैटर कर जाता है आपका एलिमेंट कौन सा है, कलर आपका, अभी आप बोलोगे मैम फ्लोरेसेंट का तो कलर अलग है, नियॉन का कलर अलग है, कैसे मैटर कर जाता है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, फ्लोरेसेंट के अंदर एलिमेंट है हीलियम, आपने पढ़ा होगा, नियॉन हमारा नियॉन साइन बल्ब में है, इसलिए इनके एलिमेंट पे भी डिपेंड कर जाता है कि इनका कलर क्या होगा। हमारा प्लाज्मा स्टेट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब, राइट। ओके, सी ओवर हियर, ग्रेट एग्जाम्पल क्लास। ओके, दिस इज आवर सन, सन है, सन के अंदर प्लाज्मा स्टेट ही तो है, सन के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो आपने, ऐसा तो है नहीं ठंडे से हैं, वो इतनी गर्म है, इतने गर्म है कि आप उनमें अपने में इतने उनको, आप ऐसे तो ना बोलोगे मैम हम सन में जाके कहाँ करंट दे रहे हैं, कहाँ हम यू नो करंट देंगे तभी तो लाइट देंगे, आप देखो सन कितना ज्यादा तेज लाइट देता है, राइट, हम करंट तो नहीं दे रहे तब भी लाइट क्यों दे रहा है, क्योंकि तो ये अपने में ही इतना गर्म है क्लास, इतना गर्म है कि इसके पार्टिकल्स अलग ही लेवल पे सुपर सुपर एक्साइटेड है एंड एनर्जेटिक है, और वो इमिट कर रहे हैं लाइट इतने गर्म होने के वजह से। सेम विथ स्टार्स, स्टार्स भी ऐसे ही, जस्ट सी इतनी दूर है हमारा सन, इतना गर्म होगा सन तब जाके सन लाइट डिपिक्ट कर रहा है, राइट। ये होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए है, आपके लिए बेसिकली एनसीईआरटी में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात कर रहा है, ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, पूछ सकते हैं आपको, यू नो इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं प्लाज्मा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा एक वो स्टेट है
जिसमें पार्टिकल्स सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है, ओके, अभी तो खत्म नहीं हुआ मैम, अभी तो आप ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे, मैम तो यार टाइम यू नो स्टेट्स कराई जा रही है, खत्म ही नहीं हो रहा। ओके क्लास, ये एक लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, लास्ट स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये कैसा अटपटा सा नाम है हाँ ना, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आइंस्टाइन तो यहाँ पर सब जानते होंगे आइंस्टाइन कौन है, ठीक है। सो क्लास हम ये देखेंगे ये नाम आया कैसे, ऐसा अटपटा सा नाम किसने रखा, ऐसा अजीब सा नाम। तो एक थे हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, देख रहे हो बोस यही सही आया है। सत्येंद्र नाथ बोस ने ये जो है पार्टिकल, दिस स्टेट ऑफ मैटर जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कवर करा था कि हाँ ऐसा भी कोई स्टेट ऑफ मैटर होता है। लेकिन बस सोचा था, आगे इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करा आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद भी और 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने आगे इस पूरे स्टेट ऑफ मैटर, इस डिस्कवरी को और पढ़ा एंड और पता लगाया इसके बारे में। तो हम भी देखते हैं भाई ऐसा क्या पढ़ लिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में, हम भी देखते हैं। तो क्लास यहाँ पर तो सब जानते होंगे, अभी मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला प्लाज्मा क्या होता है, बहुत गर्म, हॉट, बहुत ज्यादा। अगर मैं इसका अपोजिट बोल दूँ तो क्या होता है हॉट का अपोजिट, मैम ये तो बहुत इजी है, कूल। हॉट का अपोजिट कूल, बहुत कूल कर दो, बस यही है बोस आइंस्टाइन, यही है बोस आइंस्टाइन। क्लास आपने कभी सोचा है कि मान लो आपके पास फ्रिज में आइस रखी है, उसको और ठंडा कर दो, आपके पास जो गैस आप इवेपोरेट कर रहे हो, यू नो आप फायर पे रखा हुआ है, आपने हीट कर रहे हो और गर्म करे जाओ, क्या होगा उसका, वो गैस का आप पता चले वो गैस का क्या होगा। हर एक गैस का यू नो लाइट इमिट नहीं करेगी, कुछ कुछ गैसेस होती हैं जो लाइट इमिट करती हैं, जैसे हमने नियॉन और हीलियम पढ़े, वैसे ही कुछ कुछ हमारे गैसेस होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं, ठीक है। और क्या, बोस आइंस्टाइन BCE इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस, कोई एक गैस ले ली हमने और उसको कर दिया ठंडा, बहुत ठंडा हमने कर दिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कंडेंसेट C और C, कूलिंग राइट, C, ये भी C से, ये भी C से। ओके नाउ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, मैंने क्या बोला BCE हमारे फॉर्म होते हैं कूल गैस को कूल करने से। कैसी गैस, कोई भी गैस उठा ले आप, ये गैस वो इतनी गैस है इस दुनिया में, कोई भी गैस को उठा ले और BEC हमारा फॉर्म हो जाएगा, नहीं होगा। हमारे सिर्फ वही गैस इंक्लूड हो रही है जिनका लो डेंसिटी है। क्या मतलब हुआ मेरा लो डेंसिटी का, यू नो जो होती है डेंसिटी क्या होती है, थिकनेस होती है। जिन भी गैस की डेंसिटी एक्सट्रीमली लो है उनको कूल करके BCE बनता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है क्लास। ओके कितनी डेंसिटी कम करके एक्सट्रीमली लो, कितनी डेंसिटी, 1/1000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी है उसको 1/1000 डेंसिटी कम करके आपका कूलिंग ऑफ गैस करोगे तब BCE बनेगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने यही पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी, यहाँ देखो हमने जितना हम कूल करते जा रहे हैं एंड देखो कैसे ये फॉर्म हो गया है, राइट। वैसे ही हमने अभी हमने एक पढ़ा है प्लाज्मा, प्लाज्मा हॉट करोगे तो हमारा क्या होगा, प्लाज्मा बने, प्लाज्मा स्टेट है वो, हॉट बहुत हॉट है। सन स्टार आर दी बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट, अदर देन दैट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है ये, कूल। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सी सी बिल्कुल आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। ये हो गए कुछ अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। ओके अब हम बात करते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है क्लास।
कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से अनदर स्टेट में कन्वर्ट होना। स्टेट हमने तीन टाइप की पढ़ी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही तीन पढ़ी थी। नहीं मैम, अभी भी हमने तो और पढ़ी है, प्लाज्मा करी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी करी है। लेकिन क्लास वो अभी आप उतने हाई लेवल पे मत जाओ, वो आपके जस्ट बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मा क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, यू शुड नो दैट, राइट। सॉलिड इज वन टाइप, लिक्विड इज अनदर टाइप, गैस इज अनदर टाइप। ये तो अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट से। ओके क्लास, कभी आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा है? कभी करा है कन्वर्ट सॉलिड को लिक्विड में? फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, हम जब आइस लेते हैं, राइट, आइस क्यूब लेते हैं, हमने क्या किया, इसको रूम टेम्परेचर पे रख दो। रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो ये आइस जो आइस क्यूब है आपका क्या बन जाएगा, आपकी मेल्ट होने लग जाएगा, राइट, पानी बनने लग जाएगा, तो दैट इज लिक्विड। तो आपका फुल एक टाइम आएगा कि आपका ये पूरा जो है आइस क्यूब पानी पानी आपका बन जाएगा। तो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, आइस से पानी बनना, मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग और फ्यूजन भी बोल सकते हैं हम। तो क्लास बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, फ्यूजन आ गया, अरे ये क्या आ गया, फ्यूजन भी बोल सकते हो, मेल्टिंग भी बोल सकते हो, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए। ओके नाउ अब हम देखते हैं, अगर हमें लिक्विड से करना है, गैस में हमारे पास है, मान लो यहाँ पर भी बना लेते हैं लिक्विड, इसको करना है गैस में कन्वर्ट। चलो इसको अभी हम समझेंगे एक एग्जांपल। मेरे पास क्लास ये एक कैटल है, राइट, दिस इज द कैटल, इसमें मैंने भर दिया पानी, बहुत सारा पानी इसमें मैंने भर दिया। अब मेरे पास क्या है, ये लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, मैं करूंगी इसको हीट, ठीक है, मैं करूंगी इसको हीट, विल सी दैट, रख देते हैं इसको हीट पे। अभी देखो थोड़ा सा टाइम वेट करो, क्या होगा, कभी भी आप जब किचन में जाते हो क्या होता है, आप मम्मा को देख रहे हो कि या फिर पापा को देख रहे हो या फिर कोई भी भाई बहन जो खाना बना रहे हैं, वो क्या, जब पानी गर्म कर रही है, फिर आपने भी जब करा होगा, लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, विल सी दैट, भाप आएगी। अभी देखो आपको, मुझे ना आवाज आ रही है, वो पूरे जो बबूले से आते ना बबल्स बनते, वो आवाज आ रही है, क्या हो रहा है वहां पर, क्या हो रहा है वहां पर, मैंने पानी को कर दिया हीट, क्या हो रहा है, याद करो अभी हमने पढ़ा है, पार्टिकल्स जो है बहुत एनर्जी मिल गई है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। अब इसके अंदर मैं शायद अगर मैं इसमें शुगर डाल दूं तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, या सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, बहुत जल्दी ये यू नो सारा मिक्सअप हो जाएंगे, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बहुत अच्छे से होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। तो यही हो रहा है अभी वहां पर, अभी मुझे आवाज जो आ रही है केटल में पानी गर्म होने की, वो इसी की ही आ रही है। ओके सो क्लास नाउ लेट मी शो यू दैट केटल, पानी हो गया गर्म, अब आपको दिखेगा मैं किसकी बात कर रही थी, कैन यू सी, अभी आपको हल्का सा अगर दिख रहा हूं भाप आते हुए, बहुत ज्यादा गर्म है, ये भाप आ रही है, राइट, यही जो भाप है इस प्रोसेस को, लिक्विड से ये जो भाप बनी है क्या कहते हैं, हमने क्या किया, बॉइलिंग, हमने क्या किया, पानी को बॉइलिंग, तो आप बॉइलिंग भी बोल सकते हो और वेपराइजेशन भी आप कह सकते हो, बॉइलिंग या वेपराइजेशन, राइट। तो आपने बॉइल करोगे पानी को या वेपराइजेशन करोगे, आपका बन जाएगा गैस, राइट, सॉलिड को आइस को लिया, मेल्ट किया, फ्यूजन करी, दोनों एक ही बात है, का बन गया लिक्विड, लिक्विड को बॉइल किया, वेपराइज किया, बन गया गैस। ओके नाउ अभी हम देखेंगे, ये तो बात हो गई हमने सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, अब
इसका क्या मैम, लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा? ये बन सकता है ग्लास? सोचो, बन सकता है लिक्विड से सॉलिड? ये बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? कभी आपने जमाई है आइसक्रीम? मैंने तो बहुत करा है बचपन में। एक कप लेते थे, दूध डाल देते थे और कुछ भी कलर ऐड, कलर तो नहीं बट ऐसे कोई भी एसेंस एसेंस ऐड करके, तो वो क्या होता था? वो पहले तो दूध है, लिक्विड है, मिल्क है, राइट? वो आप ओवरनाइट रखो, क्या हो जाएगा? कन्वर्ट सॉलिड में हो जाता है। आप आइस क्यूब को रखो, आइस क्यूब पानी आप फिल कर रहे हो उस पूरे क्यूब्स, राइट? आप पूरे केस में आपने क्या फिल कर है? पानी फिल किया। कीप इट फॉर सम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, देन क्या हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। क्यों सॉलिडिफिकेशन? याद रख सकते हो, सॉलिड हो रहा है आइस क्यूब जो है, सॉलिड है ये जो बन गई आइसक्रीम, ये हो गई है सॉलिड, राइट? दैट्स व्हाई सॉलिडिफिकेशन। ओके, या फ्रीजिंग भी बोल सकते हो। आप बोलते हो ना कि फ्रीजर में रख रहे हैं, राइट? फ्रीजिंग भी बोल सकते हो। फ्रीज कर दिया है आपने लिक्विड को, लिक्विड को जब फ्रीज करोगे तो क्या बनेगा? सॉलिड ही बनेगा, सॉलिडिफिकेशन, राइट? ओके, आप आग बंद करके सोचो कि आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कर दो मेल्ट फ्यूजन, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, बॉइलिंग हो गया, वेपराइजेशन हो गया, लिक्विड को आपने आइसक्रीम बनानी है, लिक्विड को सॉलिड में करना है, हो गया सॉलिडिफिकेशन फ्रीजिंग। ओके, नाउ गैस से लिक्विड बन सकता है? गैस से लिक्विड, कभी आपने देखा ये एग्जाम्पल? गैस से लिक्विड कब बनता है? अभी मैं परफ्यूम अगर आपको दिखाऊं तो परफ्यूम का क्या होता है? गैस है परफ्यूम। कल मैंने एग्जाम्पल दिखाया था, मैंने जैसे ही प्रेस किया घना सारे वेपर्स आए, बिल्कुल गैस के वे में आए, पूरे एयर मॉलिक्यूल्स में मिक्स हो गए, डिफ्यूज हो गए, राइट? तो मैंने क्या किया, इसको स्प्रे में मैंने बहुत कंप्रेस कर दिया, टाइटली कंप्रेस करके मैंने क्या बना दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो गैस लिक्विड में वैसे भी बनती है, ठीक है? और क्लास, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं, ठीक है? अभी आप मेरे को ये बोल रहे हो कि हमारा मैम, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको रब कर देती हूँ कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो जाए बीच में, ठीक है? क्लास नाउ हैव अ लुक, आपको अभी मैं बताती हूँ, गैस से लिक्विड बनाना है, गैस है लिक्विड बनाना है। आपने कभी सोचा है बारिश क्यों होती है? बारिश जो हो रही है वो हो क्यों रही है? क्यों हो रही है? यहाँ पर आप नीचे, आप आग वो ना, आप हीट कर रहे हो पानी को, आपकी क्या जा रही है? जो वेपर्स है, गैस है, वाटर वेपर्स, ये आसमान में जा रही है। अभी मैं आपको वाटर वेपर्स भी दिखाती हूँ। मैंने कर दिया, इसमें था पानी बहुत गर्म, राइट? अब आप देख भी पाओगे, देखो कैसे भाप आई है ना, आई ना निकल के, ये क्या है? वेपराइजेशन हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपका ये जो गैस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया बाउल, अब मैंने इसी बाउल में पानी है बहुत गर्म, तो थोड़ा सा संभल कर, ओके, मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, ठीक है? इसको हम साइड में रख देते हैं, एक सेकेंड। तो क्लास नाउ ओवर हियर, ये है पानी बहुत ज्यादा गर्म, मुझे यहाँ पर भाप भी दिख रही है, वेपर्स उड़ते हुए जा रहे हैं, वेपराइजेशन हो रहा है क्योंकि मैंने बॉइलिंग करा। ओके, मैं क्या करती हूँ, इसको कर देते हैं हम एक पॉलिथीन से कवर, राइट? जस्ट मुझे करने दो एक बार कवर, ओके, ठीक है? ओके क्लास, अब इसको हम क्या करेंगे, टाइटली कर दो इसको कवर, कैन यू सी ओवर हियर? मैंने बहुत ही टाइट इसको कर दिया कवर, सी? तो दिस इस पॉलिथीन में कवर में होल नहीं होना चाहिए, आपके ए टू जेड चीजें ट्रैप हो जानी चाहिए। अब क्या हो रहा होगा क्लास, कैन यू इमेजिन इसके अंदर हो क्या रहा होगा? सोचो क्या हो रहा होगा, गैस वो था पहले, वेपर आ रहे थे बाहर, राइट? क्या हमने ये पानी डाला, पानी इतना गर्म है कि ये वेपर्स देगा ऊपर, मैंने कर लिया इसको ट्रैप। अब देखो मैं इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही रखती हूँ, आप ना मेरे को तो वैसे अभी दिख भी रहा है, अगर आपको विजिबल हो, देखो यहाँ पर, यहाँ पर हल्के हल्के आपके
मॉलिक्यूल्स, आपके गैस के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होने लग गए हैं, राइट, पूरे चारों तरफ। हैव अ लुक। अब धीरे धीरे मैं और रखती हूँ इसको, और टाइम तक रखते हैं, क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है ना क्लास, इतना गर्म हो चुका है, ये जो एरिया है, इस एरिया में पानी के ड्रॉपलेट्स आने लग जाएंगे। यही हो रहा है हमारे आसमान में बारिश में, जब आपने पानी यहाँ पर, इतने वेपर्स जो है आसमान में गए, वो क्या हुए, क्लाउड्स होते हैं, बादल, बादल में इकट्ठे हो गए, जैसे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ हल्की हल्की ड्रॉपलेट बन रही है। अभी हम और वेट करेंगे ना, बहुत ज्यादा ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। अब वो क्लाउड्स में जाके आपके एक्यूमुलेट हो रहे हैं सारे पार्टिकल, सारे वेपर्स। अब वो तब तक एक्यूमुलेट होंगे, हर एक की कुछ होती है ना कि लिमिट होती है कि भाई इतना सहन कर लिया, इससे आगे हम सहन नहीं कर सकते। क्लाउड का भी ऐसा ही है, एक बार सहन कर लिया, इतना कर लिया, पानी आया, वो पेपर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, इकट्ठा कर लिया, इसके आगे सहन नहीं हो रहा, वो होल्ड नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, रेन कर देगा, बारिश कर देगा, तो वेपर बन गया, गैस बन गई लिक्विड में। ऐसे ही होती है बारिश। देखो क्लास, हैव अ लुक, आ रही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, यहाँ पर भी देख सकते हो आप साइड में, बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऐसे ही क्लाउड में इकट्ठी होती हैं। ओके, इसको मैं साइड में रख देती हूँ, हम इसको देखेंगे थोड़े से देर के बाद, हम और इसमें अच्छे से आ जाएंगे। हम इसको रख दिया, इसको नीचे, ठीक है क्लास। नाउ और देखते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, आपको अगर ये रीजन पूछा जाए बारिश कैसे होती है, कंडेंसेशन से बारिश होती है, जब आपके गैस लिक्विड में फॉर्म हो जाते हैं, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। हमने तो पढ़ लिया मैम, सॉलिड लिक्विड में कैसे बनता है, लिक्विड गैस में कैसे बनता है, और लिक्विड सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग से बनता है, और गैस लिक्विड में हमारा कंडेंसेशन से बनता है। लेकिन सॉलिड और गैस का क्या, आपने ये तो बताया ही नहीं, का भी हाँ भी हम पढ़ेंगे। सॉलिड और गैस में क्लास, जैसे हम, एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। हमारा गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, राइट, याद रखने के लिए, गैस किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई सब्लिमेशन, राइट, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, डिपोजिशन, डिपोजिशन, राइट। तो अब हम देखेंगे ये जो एग्जांपल, सॉलिड कैसे गैस में कन्वर्ट हो रहा है। हमने तो ये देखा कि अगर हम कभी भी क्यूब लेते हैं, तो हमारा बीच में एक लिक्विड स्टेट आता ही आता है, लिक्विड, इसको अगर हम गर्म कर दें तो हमारा मैम पानी तो बनेगा ही बनेगा, और फिर बनता है हमारा गैस। बट नो नो क्लास, हम, जरूरी नहीं है हमारा हमेशा लिक्विड स्टेट बने, हमारे, देयर आर सम एग्जांपल जो हमारे सॉलिड से सीधा गैस बन जाते हैं, लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है क्लास। जैसे कि अभी हम और देखते हैं, पहले तो कंप्रेसिंग, अच्छा ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम यही देख लेते हैं, कंप्रेशन क्या मतलब है इसका, ये गैस है, ये मेरे लिए है लिक्विड, एंड इस पे करेंगे हम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने लिया एक सिरिंज, इसके अंदर पार्टिकल्स देख पा रहे हो, पार्टी, ये पिस्टन है, ठीक है क्लास, ये है हमारा पिस्टन। हमने क्या किया, इसके अंदर पार्टिकल्स हम ऊपर से नीचे लेके आए जा, इसको हमने ऊपर से नीचे प्रेशर दिया, क्या हुआ, हमारे ये जो इतने फ्रीली मूव कर रहे थे ये पार्टिकल्स, ये अब और कम, इनके पास और स्पेस कम है, तो देखो कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, और अगर ये बहुत ही कम कर देता तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम कंप्रेशन हो रहा है आपका। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये है सिरिंज, सिरिंज है, अब मैं अगर इसको, अगर इसमें मैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं फिंगर रख दूँ, या फिर अपना ट्यूब या फिर रबर कुछ लगा दो, जस्ट सी, मैं यहाँ पर इसको प्रेस करूंगी, देखो कितना दम लगेगा, ये ना रेजिस्ट करेगा, मैं इतना दम लगा रही हूँ, बट ये मेरे को आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स
बिल्कुल टाइटली पैक हो चुके हैं और ये आगे मेरे को जाने नहीं दे रहा है। मैं कितना भी आगे फोर्स लगाऊं, ये खुद पीछे आ जा रहा है, राइट? ओके, सो क्लास ओवर हियर, व्हाट आई मीन बाय दिस कंप्रेशन, बेसिकली आपने जब अपने घर में एलपीजी देखा, घर के सिलेंडर्स देखे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी से क्या मतलब है मेरा, आप सिलेंडर जो है, परफ्यूम भी होती है, आप कंप्रेस करते हो गैस को, इतना कंप्रेस करते हो, इतना कंप्रेस करते हो। अभी तो मैं अपने हैंड से कर रही हूँ, राइट? मुझसे और हो नहीं रहा। इफ आई यूज सम मटेरियल और मैं इतना कंप्रेस कर दूं, इतना कर दूं, वो क्या बन जाएगा, गैस से सीधा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। गैस से सीधा लिक्विड में एलपीजी विल बी कन्वर्टेड, दिस गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, फुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम विद सीएनजी, गाड़ियों में लगती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, अगेन कंप्रेशन इज गोइंग ऑन, हम कंप्रेस कर रहे हैं, वी आर कंप्रेसिंग द गैस एंड मेकिंग इट इनटू लिक्विड फॉर्म। गैस को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ कंप्रेशन से। तो क्लास हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो है गैस से लिक्विड, इसको मैं मिटा देती हूँ सबको। ओके, तो क्लास हमारा जो गैस से लिक्विड दो प्रोसेस से बनता है, जैसे कि कंडेंसेशन और कूलिंग जो हमने पढ़ा था। इसको देख लो, अब ये थोड़ा सा और एक्यूमुलेट हो गए हैं, हैव अ लुक, पानी देखो कितने ज्यादा ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा, इतने मोटे ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे, वो बारिश की तरह नीचे ड्रॉप करेंगे, राइट? यहाँ पर भी देखो कैसे ट्रिकल ही कर रहे हैं नीचे। तो यहाँ पर हो गया है कंडेंसेशन, कूलिंग, कंडेंसेशन। ओके, नाउ कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है, हमने कंप्रेस किया, ये हम कर रहे हैं कंप्रेस, तो हमारा कैसे हो जाता है लिक्विड में कन्वर्ट, ये हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे। ओके क्लास, नाउ कैन यू सी ओवर हियर, अभी जब मैंने बात करी थी कि आपके जो सॉलिड है, जो एक स्टेट ऑफ मैटर है, वो सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई आइस इज दी ग्रेट एग्जाम्पल ओवर हियर। ड्राई आइस, देखो ये जो आइस है, इसको क्या हो रहा है, ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड एग्जिस्ट ही नहीं करता इस स्टेट में, लिक्विड है ही नहीं। क्या देखो, कपूर, ये कपूर है, राइट? कपूर क्या, जो आरती में लगाते हैं, आरती में हम यूज करते हैं, राइट? कैम्फर बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में, कैम्फर। ओके, सो आपने इसमें फायर लगाया, क्या हो रहा है, सीधा ये सॉलिड क्या बन गई, गैस बन गई, लिक्विड का फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेम विद नैप्थलीन बॉल, नैप्थलीन बॉल होती है ना व्हाइट कलर की, आपने देखा होगा कभी, आप कपड़ों में या फिर बैग में रखते हो, राइट, कि कीड़े नहीं लग जाएं। तो ये नैप्थलीन बॉल जो है, ये भी सीधी ये सॉलिड से, ये देखो कैसे गैस बन रही है, राइट, चारों तरफ से गैस रिलीज हो रही है, तो आपके ये भी गैस में सीधा कन्वर्ट होती है। तो ये एग्जाम्पल हो गए, अगर आपको कभी एग्जाम्पल आ जाता है कि ड्राई आइस, आप लिख सकते हो कैम्फर, नाप्थलीन बॉल, दीज आर दी एग्जाम्पल जो हमारे सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट? और क्या प्रोसेस था वो प्रोसेस था सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का, डिपोजिशन, डिपोजिशन, राइट? ओके, सो क्लास नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, वेरियस टेम्परेचर स्केल, बहुत वेरियस टेम्परेचर स्केल के बारे में हम बात करेंगे, केल्विन, सेल्सियस, फेरेनहाइट। ओके, नाउ क्लास केल्विन, सेल्सियस, फेरेनहाइट, ये कुछ स्केल्स हैं, अलग अलग स्केल्स हैं। सेल्सियस सबने सुना होगा कि ना इतना डिग्री सेल्सियस हो रखा है इतना, लेकिन हमारे केल्विन और फेरेनहाइट ये भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट? आप देखो, हम केल्विन को, एसआई यूनिट क्या है केल्विन की, आपकी एसआई यूनिट के है, सेल्सियस की एसआई यूनिट, ऐसे आपके डिग्री एंड सी, फेरेनहाइट की डिग्री एंड एफ, दीज आर दी एसआई यूनिट ऑफ केल्विन, सेल्सियस एंड फेरेनहाइट।
जस्ट ऑब्जर्व, मैंने के में डिग्री नहीं लगाया हुआ, राइट? के में डिग्री नहीं है, सेल्सियस में डिग्री है, फ़ारेनहाइट में डिग्री है। तो केल्विन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसमें अब हम देखते हैं, ये एक हो गया हमारा फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला, क्या कहता है? केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस में 273, राइट? को कभी भी आपको सेल्सियस दे रखा है, मान लो दे दिया 43 डिग्री सेल्सियस है, तो 43, अगर 43 डिग्री सेल्सियस है तो आपसे पूछ लिया कि केल्विन कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे, 43 को आप कर दोगे प्लस 273 से, तो जो भी आंसर आएगा आपका वो बन जाएगा केल्विन, राइट? तो आपका केल्विन ऐसे निकलता है। ये एग्जाम में आता है क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑलवेज रिमेम्बर, स्टार मार्क कर लो इस फॉर्मूले को, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस में 273, कमिंग ऑन टू सेल्सियस, सेल्सियस इज इक्वल टू के। बस क्या करना है, अगर सेल्सियस दे रखा है और आपको केल्विन पूछ लिया तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, केल्विन दे रखा है और सेल्सियस पूछ लिया, इसको ले जाओ उधर, ठीक है? क्या करोगे, उसको ले जाओ उधर, मुझे दे दिया यहाँ पर सेल्सियस, मेरे को सेल्सियस पता है, मुझे केल्विन पता है, मुझे सेल्सियस नहीं पता, मैं इसको ले जाऊंगी उधर, क्या हो जाएगा, माइनस, इंस्टेड ऑफ प्लस मैं करूंगी माइनस, मेरा सेल्सियस निकल जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं सेल्सियस। ओके, एंड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, एंड अदर देन दिस हमारा टेम्परेचर यू नो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्यों क्या होता है, थर्मामीटर। थर्मामीटर होता है, आप मेजर करते हो, कभी फीवर हो जाता है, थर्मामीटर आप यूज करते हो, आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते हो। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितना डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, कमिंग ऑन टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्लास ये होता है, एफ इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस में 32। सो ये हमारा फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट का। फॉर एग्जांपल मेरे को दे दिया यू नो 4, या फिर दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मुझे दे दिया 5 डिग्री सेल्सियस प्लस मैंने दे दिया 32, कितना फ़ारेनहाइट हुआ, पूरा कर लो कैलकुलेट, तो 9 प्लस में 32, जो भी आंसर आएगा आपका बन जाएगा वो फ़ारेनहाइट, राइट? तो आपके वो बन जाएगा फ़ारेनहाइट पूरा। तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे अपने फ़ारेनहाइट का आंसर, ऐसे आप करोगे कैलकुलेट सेल्सियस और केल्विन, ये आपको फॉर्मूले रट लो, कुछ भी कर लो, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस में 273, राइट? और यहाँ पर अगर आपको सेल्सियस के पूछ लिया है और केल्विन दे रखा है तो माइनस करना है, दैट्स इट। फ़ारेनहाइट में 9/5 है प्लस सेल्सियस प्लस में 32, दैट्स इट। ये आपका वेरियस टेम्परेचर स्केल है। ओके क्लास, नाउ अगर मैं आपको बोल दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल्सियस निकालना है, तो आपने क्या किया, ये सेल्सियस आपने यहाँ बाहर रखा, इसी का निकाल के दिखा रही हूँ, आपने क्या किया, ये जो है 5 उधर चला जाएगा, राइट? आपने क्या किया, ये इसका बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा, एफ माइनस में 32 उधर जाएगा, 32। ओके, 5 क्या आ गया, ये इनटू होगा जाके और 9 हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास बन जाएगा ये फॉर्मूला। जब आपको दे रखा है सेल्सियस गिवन, तो आप और फ़ारेनहाइट में आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको फ़ारेनहाइट गिवन है, सेल्सियस निकालना है, तो यूज दिस फॉर्मूला, ऐसे आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है? बेसिक मैथ है, ज्यादा इतना दिमाग लगाने का चीज नहीं है, बेसिक मैथ है, आपको आता है ये सब, ठीक है क्लास? डरने की भी बात नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है केल्विन इज इक्वल टू दिस, एंड हमारा ये तो चलो, आपको अगर सेल्सियस का निकालना है ये इधर चला जाएगा, और आपको याद रखना है एक ये, बस और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है? अब मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको सेल्सियस गिवन नहीं है और आपको बोल दिया फ़ारेनहाइट निकालो, और तो आप क्या करोगे, आप सेल्सियस निकाल सकते हो ऐसे ही, राइट? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपको फ़ारेनहाइट कितना होगा, केल्विन में आपको देते हूँ 25, निकालो,
आप कर सकते हो, फेरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, सेल्सियस कितना होता है, के माइनस में 273, 25 माइनस में 273 प्लस में 32, राइट? कर सकते हो ये, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी स्पेस बची नहीं है, आई जस्ट राइट ओवर हियर, ठीक है, प्लस में 32, प्लस में 32 आप ऐड करोगे, तो इसको सॉल्व करो, आपको फेरेनहाइट का आंसर मिल जाएगा। क्लास डरने की बात ही नहीं है, इतने ऐसे आपको टेम्परेचर स्केल के आंसर्स मिलेंगे। यू आपको सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बाकी यहाँ पर मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। सिर्फ आपको जो याद रखना है वो आप इसको याद रखो, और आपके सारे के सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे होंगे, और आपके क्वेश्चन कोई मर्जी गलत नहीं कर सकता। लर्न दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, दैट्स इट, ठीक है क्लास? ओके नाउ, अभी हमने जितना पढ़ा है, चलो इसी पे ले लेते हैं, टेम्परेचर स्केल पे विल टेक अ शॉर्ट क्विज, हम देखते हैं चलो आपको कितना समझ आया, आया भी समझ या फिर ऐसे ही निकल गया है, हाँ ऊपर से निकल गया हवा से या फिर आ भी रहा है समझ, विल सी दैट। ओके ओके, सो इट्स केबीसी क्विज क्लास, अगेन कल की तरह, देयर इज नो लाइफ लाइन। टेम्परेचर ऑन दी सेल्सियस, टिक टिक घड़ी चल दी है, जल्दी पढ़ो। दी टेम्परेचर ऑन दी सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस, हमें सेल्सियस दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज दी करोस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन दी फेरेनहाइट स्केल, फेरेनहाइट स्केल में करोस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी सोचो। एवरीवन, आप कौन सा फॉर्मूला पुट करोंगे, राइट? जो हमने अभी पढ़ा, जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा है वो फॉर्मूला, अभी हमने फॉर्मूला जो करा है उसको यूज करके एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि आप क्या आंसर आएगा। आई एम गिविंग यू सम टाइम, थिंक अबाउट इट। सेल्सियस, 25 है। चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आपका फेरेनहाइट जो है, यहाँ चलो यहाँ लिख देते हैं, फेरेनहाइट इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। इसमें सेल्सियस इज गिवन, 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इट, 9/5 इंटू कर लो 25, 9/5 इंटू 25 प्लस 32 कितना आंसर बन रहा है, बन गया 5 प्लस में 9/5 45, 45 प्लस में 32 कितना आंसर बन गया, इसका आंसर बन गया वन। क्लास आप जब भी पुट कर रहे हो आंसर, फॉर एग्जांपल फेरेनहाइट कितना आया, 77 फेरेनहाइट, वेरी गुड। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन क्लिक किया था, 77 फेरेनहाइट, गुड अमेजिंग, 77 फेरेनहाइट अमेजिंग आंसर, राइट, वेरी गुड। सो आपको समझ आ रहा है, जिन्होंने भी 77 डिग्री, पूरा फेरेनहाइट जिन्होंने भी, यहाँ डिग्री लगा लेना ठीक है, तो जिन्होंने भी ये क्लिक किया था दे ऑल आर ऑन दी राइट पाथ, आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। जिनका गलत है, क्यों गलत है, देखो क्यों गलत है, क्या करिए, कौन सी सिली मिस्टेक कर दी है आपने। ओके, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट सोचो। हमने हमने अभी देखा, हमने आपको पता होना चाहिए, हमने डिस्कस नहीं करा है, जस्ट फॉर योर, आई जस्ट वांट टू चेक कितनी नॉलेज आपको आती है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस, जस्ट सी 100 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ जल्दी लिखो चैट बॉक्स में एवरीवन। ओके, तो हम डी ऑप्शन 0 डिग्री पे लॉक करते हैं, एंड इसका आंसर बिल्कुल सही है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री, 0
डिग्री होता है हमारा, हम 0 डिग्री पे करें हमारा पानी फ्रीज होने लग जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखो सेल्सियस, नॉट केल्विन, नॉट फेरेनहाइट। ओके क्लास, नाउ एग्जाम ये याद रखना, अभी आएगा एक और क्वेश्चन, याद रखना ये सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है? एग्जाम्पल नहीं, फॉर्मूले याद रखना। The temperature in the Celsius scale is 273 Celsius. What will be the temperature in the Kelvin scale? क्या केल्विन स्केल में कितना टेम्परेचर होगा? हमें सेल्सियस दे रखा है, इतना दे रखा है, हमें केल्विन में कितना होगा? केल्विन का पूछा है, क्या फॉर्मूला है सोचो। अभी मैंने शो किया था फॉर योर फॉर यू नो फादर हेल्प, जस्ट अ सेकेंड, या हैव अ लुक, ये लगेगा कि नहीं लगेगा? केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस में 273, यही फॉर्मूला लगेगा। क्लास करो जल्दी करो, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस में 273। तो हमारा कितना गिवन है यहाँ पर सेल्सियस का? 273 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, केल्विन को 273 प्लस में 273 आपका आंसर निकल जाएगा। मेरे को सब आंसर कैलकुलेट करके लिखो चैट बॉक्स में, क्या आपका आंसर आया, मेरे को सब चैट बॉक्स में आंसर लिख के देंगे। आपको केल्विन स्केल पे कितना आपका डिग्री आया? ओके क्लास, नाउ कमिंग ऑन टू लेटेंट हीट, विल स्टडी द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटेंट हीट? लेटेंट हीट क्या है? फॉर एग्जांपल, चलो ये हमने लिया क्यूब, आइस क्यूब लिया, देखो इसको मैंने अभी आपको बताया इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मैंने अभी आपको ये बोला कि इवन आफ्टर हीटिंग इट्स टेम्परेचर विल रिमेन सेम। वाई? इसको मैं हीट कर दूं, इसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है, क्यों क्यों नहीं बढ़ रहा है ये 1 2 3, क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम तो हीट दे रहे हैं, व्हाई व्हाई, वेयर इट्स हीट गोइंग? ये जो हीट दे रहे हैं टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ये हीट जा कहाँ रही है? सोचा है कभी आपने? आपने कभी कोई भी क्यूब ले लिया, ठीक है, आप उसे हीट करो, नहीं उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ेगा, उसकी हीट जा कहाँ रही है? आप बेमतलब में हीट तो है ना दे रहे हो, वो हीट कहीं तो कुछ तो काम करेगी, राइट? ओके, ये तो हमने सॉलिड का एग्जाम्पल देख लिया। हम देखते हैं एग्जाम्पल वाटर का। वाटर देखो हमने क्या किया, वाटर में लगाया थर्मामीटर, यहाँ देखो थर्मामीटर हमने इसको पानी के अंदर पुट कर दिया, हमने बीकर में रखा पानी, इस पानी के में हमने क्या किया, आग, फायर ऐड कर दी। जब हमने फायर ऐड करिया ना क्लास, तो क्या हुआ है, पानी का टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन आपका एक पॉइंट पे आकर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आपका पानी का टेम्परेचर आगे जा ही नहीं रहा है, लेकिन आप हीट कर रहे हो, क्यों नहीं जा रहा है, कहाँ जा रही है ये हीट, क्या हो रहा है, क्या कहाँ, आप कुछ तो हो रहा होगा ना इस हीट का, ये दे रहे हो जो नीचे हीट, इसका कुछ तो हो रहा होगा ना, ये जो आपका क्यूब था इसमें क्यूब को आपने हीट दिया, इसके साथ कुछ तो हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस है तो हीट जा कर रही है। सबसे ज्यादा तो कोविड से ज्यादा ये क्वेश्चन बन गया। मैम कोविड तो छोड़ो, ये बताओ 0 डिग्री सेल्सियस है, जा कर रहा है हीट, हम अभी देखेंगे। ये जो क्लास आपके ये जो हीट है ना, ये आपका फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और बार बनाती हूँ आइस क्यूब, ये आइस क्यूब मैंने बनाई, राइट? मैंने क्या किया, इस आइस क्यूब को रखा एक बीकर में, और इस बीकर को दे दिया मैंने फायर, इस बीकर को मैंने लगा दिया फायर, ये आइस क्यूब क्या होगा, ये आइस क्यूब की मेरे पास टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, ये पानी में ब्रेक डाउन होने लग जाएगा, स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, पानी बन रहा है पानी बन रहा है, ये हल्का हल्का मेल्ट होने लगेगा, और ये पानी पूरा ये पानी में कवर हो जाएगा,
ये पूरा पानी बन जाएगा। The moment it will be converted from solid to liquid, जैसे ही हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, हमारा ये टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। वाई? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, पास पास में इतनी पास जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के अंदर, उनको ब्रेक कर रही है ये हीट। ये जो हीट है, आप ये जो हीट दे रहे हो, और ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो इनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच का, दोनों के बीच का अट्रैक्शन को ब्रेक कर रही है और दूर भेज रही है, लिक्विड बना रही है। सो क्लास, हमें ये हीट दिखती नहीं है, हमें दिख तो यही रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? हमें हमेशा यही दिखेगा, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है। हीट जा कर रही है, हीट जा रही है इनके मॉलिक्यूल्स, चाहे वो पानी के हैं चाहे वो सॉलिड के हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं ब्रेक डाउन, उनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में ये हीट काम आती है। सो हम इसको अदर देन दिस हम हिडन हीट भी बोल देते हैं। हम ये हीट नहीं देख पा रहे, हमें दिख तो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर। इसके आपके ये 100 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसके बाद आपका बॉइल स्टार्ट, बॉइल हो गया है आपका वाटर, आपका पानी बॉइल हो चुका है, दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस जो बात करी थी, दैट वॉज फ्रीजिंग, फ्रीजिंग राइट, फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर था वो। ओके ओके, सो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी वॉटर, अगेन वही बता रहे हैं यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। हेल्प इन कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस हो रहा है हमारा, सॉलिड टू लिक्विड। मैंने क्यूब बनाई थी, क्यूब बनाई थी मैंने, वो आइस क्यूब मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, राइट? ये लेटेंट हीट के वजह से, हिडन हीट के वजह से इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस था वो ब्रेक कर दिया और हमारा सॉलिड से बन गया लिक्विड, ठीक है। ओके, लिक्विड से गैस बनना, इसमें भी लिक्विड में मान लो, इसमें तो हमारे बहुत पास पार्टिकल्स हैं, लिक्विड में मान लो दूर दूर पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ये लेटेंट हीट आपका ब्रेक करता है और किस में कन्वर्ट कर देगा, और दूर पार्टिकल्स, बहुत दूर पार्टिकल्स, ये गैस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड से गैस में, सॉलिड से लिक्विड में। ये लेटेंट हीट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और यही रीजन है लेटेंट हीट का कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। 0 डिग्री है, 0 डिग्री ही रहेगा जब तक आपका वो आइस क्यूब सॉलिड जो है वो पानी नहीं बन जाता, पूरा पानी नहीं बन जाता, वो तब तक सॉलिड ही रहेगा, ठीक है क्लास? ओके, देखो यहाँ पर अभी हमने यही पढ़ा है, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन हीट सप्लाइड टू सब्सटेंस ड्यू नॉट इंक्रीज। हमने फेज ट्रांसफॉर्मेशन में सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, सॉलिड से हमारा लिक्विड हो रहा है या लिक्विड से गैस हो रहा है, जब भी हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हीट सप्लाइड अब, और हमने हीट भी दे दिया टू सब्सटेंस डू नॉट इंक्रीज, कितना भी हीट दे दो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा दी टेम्परेचर, बिकॉज इट इज यूज टू ब्रेक द इंटर मॉलिकुलर फोर्स। क्योंकि आपका जो आपका सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं, इसके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने में काम आएगा ये लेटेंट हीट, तभी इस लेटेंट को हम हिडन भी बोलते हैं, हेंस थर्मामीटर कैन नॉट शो दिस हीट, तभी इसका नाम हमने क्या बोला गया है, हम हिडन भी बोलते हैं, बिकॉज वी कांट सी दिस हीट। ग्रेट, समझ आ गया सबको? हेल्प इन कन्वर्टिंग 1 kg फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब आप बोलोगे मैम 1 kg,
1 kg, आप नाप तो सकते हो, आप बोलोगे ml लीटर, आप नाप लो उसको, यू नो आपने 1 ml आपने लिक्विड लिया, उसको वेट कर लो, 1 kg है, 2 kg है, ठीक है? क्या बात हो गया? हेल्प इन कन्वर्टिंग 1 kg फ्रॉम लिक्विड टू गैस, 1 kg फ्रॉम लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू लिक्विड, आप हेल्प इन कन्वर्टिंग फ्रॉम 1 kg, यू नो 1 kg फ्रॉम लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू लिक्विड, हमारा लेटेंट लेटेंट हीट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल ओवर हियर, जो एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है, राइट? देखो हमारा जो ये प्रोसेस है लिक्विड से गैस में बनना, इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड के पार्टिकल्स का में आपने लेटेंट हीट लगाया, यू एडेड द लेटेंट हीट इन द लिक्विड एंड दिस लिक्विड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हो। सॉलिड टू लिक्विड को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट्स इट, कुछ ज्यादा हाई फाई साइंस नहीं है क्लास। लेटेंट हीट, हिडन हीट, जो एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम आती है। सॉलिड टू लिक्विड वेपराइजेशन, सॉलिड टू गैस फ्यूजन, राइट? आपको याद हो गया सब चीज, लेटेंट हीट हमने करा। ओके, सो क्लास हमें यहाँ पर मेल्टिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लोग ना इतना कंफ्यूज होते हैं इन वर्ड में कि क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, क्या मेल्टिंग, क्या बॉइलिंग, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मेल्टिंग आज हम पढ़ेंगे, आप जिंदगी भर तक कंफ्यूज कभी नहीं हो सकते, क्या इन चारों में व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग एट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग क्या है, हमने क्या किया, लिया क्यूब, आइस क्यूब लिया। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, हमने ले लिया सॉलिड टू, बन गया हमारा लिक्विड, प्रोसेस हो गया, कन्वर्टिंग हो गया सॉलिड से लिक्विड में एट मेल्टिंग पॉइंट। ये अभी हम आगे देखेंगे इसका क्या मतलब है, अभी तक बस यही समझो मेल्टिंग का क्या मतलब है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। ओके, बॉइलिंग में क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, गैस लिक्विड है और ये गैस में आपका कन्वर्ट हो जाना, उस प्रोसेस को आप बॉइलिंग कहते हो। हमने वो ट्राइंगल बना के देखा था, सॉलिड लिक्विड गैस, हमारा सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग से बनता है, फ्यूजन से बनता है, एंड लिक्विड से जो गैस है वी यूज टू मेक इट बाय, कैसे बनता है हमारा लिक्विड से गैस, हमारा बॉइलिंग से बनता है। तो ये आपके वर्ड आपको वहीं पर ही क्लियर हो गए होंगे, मेल्टिंग क्या चीज है, बॉइलिंग क्या चीज है। अब नाउ आई एम सेइंग मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोल रही हूं मैं, ये द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। भाई एक ऐसा टेम्परेचर होगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आइस क्यूब लिया और मैंने इसको हीट कर दिया, मैं इसको हीट कर रही हूं, क्या होगा, कुछ तो ऐसा एक बार टेम्परेचर आएगा ना कि आपका ये जो है सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, एक टेम्परेचर आएगा और उसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, मेल्ट होना शुरू कर दिया है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स मेल्टिंग, लिक्विड मेल्ट होके क्या बनेगा, गैस बन रहा है, लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस, सॉलिड क्या बन जाएगा, लिक्विड, राइट? तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो इतना बड़ा टेम्परेचर है लेकिन आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन आइस का एक टेम्परेचर आएगा जब आप वो पानी में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम विद बॉइलिंग पॉइंट, आपका लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, एक पॉइंट आएगा, देयर विल बी वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैस। क्लास डन, बॉइलिंग
बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, बॉइलिंग, लेटेंट हीट क्या होता है? वी डिड इट वेरी डीपली, क्या होता है? अदर देन दैट हमने टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करी, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, हमने उनके फॉर्मूले देखे, वी रेड अबाउट हम फॉर्मूले, क्वेश्चंस करें, ट्राई टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, राइट? हम और क्वेश्चंस करेंगे, अभी नहीं खत्म हुआ, और क्वेश्चंस करते हैं। आपको जितने क्वेश्चंस करोगे, द मोर यू विल बी लर्निंग, द मोर यू विल बी रीडिंग, द मोर यू विल बी लर्निंग, लिख के ले लो ये बात, ओके? सो क्लास, जहां तक किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि कोई भी डाउट है, मैम ये टॉपिक समझ नहीं आया, मैं वो सबसे पहले क्लास में केटर करूंगी, ये पॉइंट है, उसी तभी हम आगे मूव करेंगे जब पहले का क्लियर है, ठीक है क्लास? बिल्कुल बेसिक से अभी आप सबको पता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग, बॉइलिंग क्या होता है, इज जस्ट दैट अब हमने हल्का सा और पढ़ा है कि क्या होता है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि आपके ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब क्या होता है, ठीक है? ओके क्लास, सो एवरीवन, एनी डाउट प्लीज कमेंट एंड लाइक दिस चैनल इफ यू रियली रियली लाइक इट, एंड प्लीज शेयर, हेल्प अदर्स टू शेयर इट, एंड राइट, आप शेयर करोगे लोगों को और हेल्प मिलेगी, एंड यू विल बी एबल टू लर्न इट मोर, नॉट ओनली यू, योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है? एंड सब्सक्राइब इट, एंड क्लास जल्दी से जल्दी आप जाओ अपने अनअकैडमी ऐप, लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करो एंड यूज दिस कोड RAY10, एंड आपको सब्सक्रिप्शन लिस्ट दिख जाएगी, सब्सक्रिप्शन लिस्ट देखो, उसमें आप जो भी आपको यू नो आपके कंफर्टेबल मंथ है उसके हिसाब से टेक सब्सक्रिप्शन, फोकस, आपका फोकस एरिया यहाँ से वहां कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके लिए स्केड्यूल हम करके देंगे पूरा, हाउ यू विल बी स्टडिंग, When you will be studying, कौन सी क्लासेस, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डाउट सेशंस होंगे, आइकॉनिक यू नो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें देयर इज अ पर्सनल ट्यूटर टू यू, राइट? पर्सनल ट्यूटर के तो लोग अभी ऑफलाइन के लिए देखते होते थे, लेकिन एवरीथिंग इज हैपनिंग इन ऑनलाइन, आप सब घर बैठे हुए कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, राइट? ओके, सो एक बार हम क्विकली देख लेते हैं हमने क्या क्या किया स्टार्टिंग से, क्लास हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या किया यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो हमने स्टार्टिंग से थोड़ी सी, ओके ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, या तो क्लास हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या देखा, हमने पहले तो रिवीजन किया, राइट, कि क्या हमारा यू नो स्टार्टिंग में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस है, इसी के अंदर हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, चलो थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखती हूँ मैं, ठीक है, डिफ्यूजन पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा था, इसी में ही टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखा था, ओके, और हमने क्या पढ़ा, हमने टेम्परेचर स्केल के बारे में देखा, टेम्परेचर स्केल जिसके अंदर हमने केल्विन, केल्विन के बारे में पढ़ा, और हमने सेल्सियस, सेल्सियस के बारे में पढ़ा, और हमने फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ा, राइट, और हमने और क्या पढ़ा, फ़ारेनहाइट के बारे में, टेम्परेचर स्केल्स हो गए, और क्या हो गया, डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर स्केल, एंड हमने प्लाज्मा, प्लाज्मा भी पढ़ा था, बीसीई भी पढ़ा था, बॉस, ओके बीईसी भी पढ़ा था, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये और स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, राइट, इसके अलावा हमने और क्या क्या देखा, मेल्टिंग, हमने फेस ट्रांसफॉर्मेशन देखी, सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड से गैस कैसे बनती है, गैस से लिक्विड कैसे बनता है, और सेम अपोजिट प्रोसेस हमने सबका प्रोसेस करके देखा, राइट, फिर हमने पढ़ा मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमें ए टू जेड चीजें आज जितना कवर किया है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, अगर कोई भी डाउट है क्लास, आई एम अगेन सेइंग प्लीज
You know, write in the comment box. I love to cater your doubts. Okay, class. So for the timing, everyone just let me rub it fast. You know, and we will be meeting again. And kal hum jo bhi karenge na class, we will be revising everything first. And बहुत थोड़ा सा बच गया इस चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर को हम खत्म करेंगे. उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं वो सब हम करेंगे. फॉर द टाइमिंग लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. ओके क्लास, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स क्रैक इट.